भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आज मानव तस्करी की जी ने भारत का संविधान पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, उसमें केंद्र सरकार की जवाबदारी केंद्र सरकार निर्वहन करती है, राज्य सरकार की जवाबदारी राज्य सरकार निर्वहन के मामले में शिकार हुए कुछ पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने जी ने भारत का संविधान पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, उसमें केंद्र सरकार की जवाबदारी केंद्र सरकार निर्वहन करती है, राज्य सरकार की जवाबदारी राज्य सरकार निर्वहन करती है। नागरिकता प्रदान करना ये फेडरल सिस्टम के अंदर केंद्र सरकार की जवाबदारी है। केंद्र सरकार कानून बनाकर पार्लियामेंट में पारित करके और जिसको नागरिकता देना चाहे कानून बना सकता है, तो ये तो केंद्र सरकार का काम है, ममता जी नहीं करने देगी। कैलाश विजयवर्गीय को बताया कि प्रशासन और पुलिस ने गरीब और आर्केस्ट्रा वालों देखिए जो कार्रवाई हुई है, जिसने गलत काम किया उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर ऐसे गरीब लोगों के खिलाफ जो कि इस गतिविधियों में उनकी भूमिका इतनी है कि वो बुलाते हैं और वो बजाते हैं। संगीतकार तो सब जगह जाता है, किसी की मौत हो जाती है तो वहाँ पर रघुपति राघव राजाम बजाता है किसी के यहाँ। और वेट्रो माय होम होटल के मामले में मानव तस्करी के मुकदमे कायम कर दिए। मैं आपसे बात करूंगा और इनको किसी भी प्रकार से रिलीफ मिले इसकी जरा आप चिंता करिएगा। ठीक। जिसमें उन गरीबों का कोई हाथ ही नहीं है। इस पर कैलाश विजयवर्गीय भावुक हो उठे और उनकी आंखों में आंसू भर आए। साथ ही उन्होंने इस मामले में गरीब लोग ये तो बेचारे मतलब वो अंदर रहेंगे ना तो भूखे मर जाएंगे, ये तो भूखे मर जाएगा परिवार भूखा मर जाएगा इनका तो। अब देखिए मेरे सामने जो माताजी खड़ी है, इनकी उम्र कम से कम 80 साल है और ये तो वैसे मर जाएगी बेचारी। ये फॉरन इंदौर SSP रुचि वर्धन मिश्रा से बात की और उन्हें गरीबों की पीड़ा बताई। कैलाश विजयवर्गीय ने नागरिक संशोधन बिल पर भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया है। वहीं यूरिया के मामले में भी कैलाश विजयवर्गीय ने सरकार पर निशाना साधा। हनी ट्रैप मामले में कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि हनी ट्रैप मामले में कई वरिष्ठ अधिकारी लिप्त हैं जो कमलनाथ सरकार को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं चेतावनी देता हूं कि अगर कमलनाथ सरकार ने हनी ट्रैप के इन वरिष्ठ IAS अधिकारी और IPS अधिकारियों के चेहरे बेनकाब नहीं किए तो वह इन लोगों के चेहरों को बेनकाब करेंगे। गौरतलब है कि हनी ट्रैप मामले में कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान में एक नया मोड़ सामने आया है। खाने में ज्यादा बहुत बुरा व्यवहार, बहुत गलत व्यवहार जो आंदोलन हो गए वो अभी नहीं। अभी अभी बच्चे कहाँ हैं सब लोग? जेल में दादा सबको मतलब बुलाया गया कि आप इंस्ट्रूमेंट ले जाइए, घर से बुलाया फोन कर करके कि आप इंस्ट्रूमेंट ले जाइए और इंस्ट्रूमेंट के बहाने उनको अंदर कर दिया गया। वो जीतू तो तबीयत ठीक नहीं रहती है उसकी, आप तो समझते हैं जीतू पार्ले को भजन गाता है। वो तो बच्चे का तो इलाज चल रहा है, मन सारा मान ही गए यहाँ का इलाज चलता। 17 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास सुनील, 17 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास। क्या बजाता वो? क्या बजाता? ठीक है कुछ के ना अभी तक कर भी कह 370 लगे 120 भी लगे। आइए आगे।